सोशल मीडिया पर पिछले महीने से ही भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में हुए तख्तापलट को लेकर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। ऐसे में इससे जुड़ी कई गलत और भ्रामक जानकारियां भी शेयर हो रही है। इसी बीच ये वीडियो शेयर करते हुए कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में हिंदू बच्चे के गले से पहले तुलसी माला को जबरदस्ती काटा गया और बाद में ही उस बच्चे को राहत सामग्री दी गई। अल्लाह तुम्हारे स्वाब दीवार अल्लाह सुभानहू व तआला कबूल करो रेगुलर क्वेश्चन चलो दीवन कई वेरीफाइड एक्स अकाउंट्स ने भी ये वीडियो ऐसे ही क्लेम के साथ पोस्ट किया। वहीं राइट विंग प्रोपेगेंडा वेबसाइट ऑफ इंडिया ने भी इस बच्चे को अपनी इस रिपोर्ट में हिंदू बताया। बाद में उन्होंने अपना ये आर्टिकल अपडेट कर दिया, लेकिन आर्टिकल के यूआरएल में हिंदू बच्चा लिखा हुआ दिख रहा है। ऑल्ट न्यूज ने इस कथित दावे को लेकर छानबीन शुरू की। हमें इस मामले में बांग्लादेश के फैक्ट चेकर सोहनूर रहमान का ये ट्वीट मिला। उन्होंने सोशल मीडिया पर किए गए दावे का खंडन करते हुए बताया कि ये बच्चा हिंदू नहीं है और उसके गले में तुलसी माला नहीं बल्कि तावीज है। उन्होंने ट्वीट में आगे बताया कि ये वीडियो नोआखली का है। चांदपुर के एक सलाफी इस्लामिक स्कूल ने राहत सामग्री का वितरण किया था और सलाफी के अनुयायी तावीज के खिलाफ है और इसी कारण इस तावीज को हटाया गया था। ऑल्ट न्यूज ने पत्रकार सोहनूर रहमान के जरिए इस इस्लामिक सेंटर के सहायक प्रिंसिपल अब्दुल मालिक मियाजी से बात की। उन्होंने बताया कि वीडियो में दिख रहा बच्चा मुस्लिम है और स्थानीय मदरसे में पढ़ता है। सहायक प्रिंसिपल ने बच्चे का नाम सोहेल बताया और उसके पिता का नाम अब्दुल हक। हमें इस बच्चे का ये एक और वीडियो मिला जिसे बच्चे ने हिंदू होने के दावे के वायरल होने के बाद रिकॉर्ड किया था। तुम्हारा नाम था की भैया? सोहेल। तुम्हारा अब्बू नाम? अब्दुल हक। तुम्हारा अम्मू नाम? रोजिना। तुम्ही पढ़ो कोथाई? दारुन नजात मदीनातुन उलूम मदरसा। कौन क्लास है? तृतीय। तुम्हारे ग्रामेर नाम की? छोरालगी बाजार। तुम्हारे धर्मेर नाम की? मुसलमान। इस्लाम। कालीमाटा बोलो तो एकटु। कालीमा तो ये वाला इलाहा इल्लल्लाह। यानी भारतीय सोशल मीडिया पर जो वीडियो हिंदू बच्चे के गले से तुलसी माला काटे जाने के दावे के साथ वायरल हुआ वो दरअसल गलत निकला। असल में ये बच्चा मुस्लिम है जिसके गले से एक इस्लामिक स्कूल के सहायक प्रिंसिपल तावीज हटा रहे थे। इस्लामिक जानकारों की माने तो किसी तावीज या पीर मजार से कुछ मांगा जाए या उसको रक्षा या सीख के लिए पहना जाए तो ये इस्लाम की मूल धारणा एकेश्वरवाद यानी तौहीद को चुनौती देता है, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि कुछ देना या रक्षा इत्यादि करने का काम सिर्फ अल्लाह का है और ऐसे लोग तावीज पहनने को गलत मानते हैं।